हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111 111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं, उनकी एनर्जीज कैसी हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मैं यहाँ पर सबके फीलिंग सिचुएशंस बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ऑल्सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आपको टैरो लेसन चाहिए, टैरो क्लासेस में आपको ज्वाइन करना है, या फिर एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स एक्सेट्रा के लिए आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाकी की डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। मेरे सेकंड चैनल की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहाँ पर मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग भी की हुई है, तो अगर आप लोग चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो। ओके, मेरे सेकंड चैनल का नाम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। ओके, सो चलिए अब जो है हम शुरू करते हैं। सो देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ये सारे साइंस वालों यानी कि सारे राशि वालों के लिए है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, हमारे पास है द टावर। तो हो सकता है इनके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेडली हुआ है या फिर आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया है जिसे इन्होंने अभी देखा हुआ है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो उनके साथ भी हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जिनसे इनकी जो है ज़मीन खिसक गई है, ऐसा हो सकता है। इनकी मदर इशू अगर हो सकते हैं, अगर ये जो है इंसान है ना हमेशा मदर की साइड लेते थे, अगर खास करके अगर आप मैरिड हो और आपकी बातों को नहीं समझते थे तो इनको रियलिटी समझ आ रही है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे तो हो सकता है मैरिड लाइफ में इनकी इश्यूज चल रहे हैं, या थर्ड पार्टी का कोई भी थी तो उनके साथ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। टेम्परेंस। ओके, पूरे कार्ड देखते हैं फिर भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। द चैरियट एंड आप दोनों के बीच में डेफिनेटली सेपरेशन हो चुका है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ भी चीज़ें जो हैं स्टेबल नहीं है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, तो ये उनके लिए रेजोनेट होगा जिनके पर्सन के साथ सेपरेशन हो चुकी है और आप लोग जो हो बिल्कुल अनस्टेबल फील करते हो एक दूसरे को लेकर। ओके, यहाँ पर है अ पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए तो मुझे यहाँ पर लगता है अगर ये किसी चीज़ में स्टक थे ना, लाइक किसी थर्ड पार्टी में, किसी सिचुएशन में, या किसी तरह के क्राइसिस में, स्ट्रगल में, तो ये इंसान जो है ना उससे पूरे तरीके से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, करंटली मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं कि जो चीज़ें आप दोनों के बीच में जो है सिचुएशन ख़राब हो गई थी या जो फैक्टर आप दोनों के कनेक्शन को बिगाड़ रही थी उससे ये इंसान निकल के आ चुके हैं। ठीक है, और ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हो। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है और इस पर्सन को अपनाना नहीं था इस कनेक्शन को, बिकॉज इनको ऐसा लगता था कि लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने इस कनेक्शन को छोड़ा तो इनके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, कहीं ना कहीं इनको जो है और भी ज़्यादा सफरिंग्स झेलनी पड़ेंगी। तो ऐसे इस पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में तो ये थर्ड पार्टी से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने अपना स्टैंड रख दिया है या फिर इन्होंने अल्टीमेटम अपना दे दिया है वहाँ पर और ये थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से निकल चुके हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ परेशानी इनके लाइफ में चल रही थी। ठीक है, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि अगर कोई करियर था या कोई फैमिली इश्यूज था, ठीक है, या फिर ये किसी और की बात मानते थे तो अभी उस एनर्जी से निकल रहे हैं, या फिर कोई इन्हें डोमिनेट करता था तो उस एनर्जी से ही निकल रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये इंसान जो है ना एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये अपने पावर में रहकर आपको एक्सप्रेस करें अपने फीलिंग्स के बारे में, लेकिन जब ये सोचते हैं कि आपको एक्सप्रेस करेंगे तब इनको ऐसा लगता है कि शायद जो हो उनकी फीलिंग्स आपके लिए अब इनफ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ही जो है एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा इन्हें और आप जो हो इन्हें अपनाओगे नहीं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ये बातचीत करना चाह रहे हैं, ये अपने फीलिंग्स को जो है इजहार करना चाह रहे हैं आपके तरफ करेंटली। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनके फीलिंग्स अगर ये एक्सप्रेस कर देंगे तो आप जो है इन्हें कहीं ना कहीं वैसा ही समझोगे कि आप इमेच्योर हो या फिर आप जो हो पहले की तरह ही हो। तो इस पर्सन को डर भी है थोड़ा, ठीक है, बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा डर भी है। टेम्परेंस एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे दिख रहा है कि इंसान जो है आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो भी टावर मोमेंट्स आए थे यानी कि जो उतार चढ़ाव थे आप दोनों के कनेक्शन में, इनका ऐसा लग रहा था
कि चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी या ख़त्म हो चुकी हैं, अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी हाथ में हैं चीज़ें, ठीक है, हाथ से छूटी नहीं है, और ये चाहते हैं कोशिश करना और एक बार, ताकि जो है आप दोनों की इक्वल गिव एंड टेक हो पाए, आप दोनों के इमोशंस जो है बैलेंस में आ पाए, क्योंकि इस पर्सन को भी पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, उनको भी पता है, ठीक है, मतलब उनको भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन कन्फ्यूज्ड है क्या करें ना करें, एक बार सोचते हैं आ जाते हैं, एक बार सोचते हैं नहीं रुके रहते हैं, एक बार सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर सोचते हैं कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ठीक है, फिर सोचते हैं चलो फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं फ्रेंडशिप इज़ नॉट इनफ, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि इस पर्सन की करेंटली चल रही है, बहुत जगलिंग है, ये जो जगलिंग है ये किसी ऑप्शन को लेकर नहीं है, ये जगलिंग इसी वजह से है क्योंकि अभी भी इंटेंसली आपके लिए फील करते हैं, एक डीप पुल आपके तरफ फील करते हैं, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, और ये जो है ना थॉट्स में जगल करते हैं, एक बार सोचते हैं आ जाऊँ नहीं रह पाऊंगी, फिर सोचते हैं नहीं नहीं मुझे दूर ही रहना है, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी इनकी चलती रहती है, ठीक है, घूमती रहती है, एक ही साइकिल इनकी चलती रहती है। और भी करंट फीलिंग्स देखते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन लॉ से हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन अभी कंपिटेटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन स्टूडेंट हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेडिकल फील्ड से हैं आप या वो, ओके, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी चीज़ें हैं प्रोफेशन मैंने बता दिया, बस मुझे दिख रहा था तो कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग फाइनेंस से भी हो सकते हैं, कुछ लोग इंजीनियर आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ लोग बैंकर हो सकते हैं, ओके, एनीवे कुछ लोग टीचिंग में भी हो सकते हैं, परसिवियरेंस, ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ओके अब इन्होंने ना ठान ली है, ठीक है, ट्रस्ट मी इन्होंने ठान लिया है कि ये जो है ना ट्राई करेंगे, एक लास्ट ट्राई ये करेंगे अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आया है और इनको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटीज़ को छोड़कर अच्छी चीज़ों में जिद करते हैं, ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपके पास वापस आ रहे हैं, ट्रस्ट मी, किसी के लिए जल्दी आएंगे, किसी के लिए लेट आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, मैं पिकअप कार्ड रीडिंग करूँगी, ठीक है, इस बारे में कि कब तक आएंगे, एग्जैक्ट डेट वगैरह मैं सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को कि कब तक आ सकते हैं और आएंगे तो रियूनियन होगा कि नहीं, डिस्कवरी, देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना अपने आप को पहचान रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते के बारे में पहचान रहे हैं, इनको वेकअप कॉल भी मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान धीरे धीरे अवेकन हो रहे हैं, अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, और इनको अपना सोल पर्पस नज़र आ रहा है, इनको जो है ये अपने हर चक्रा को जो है ना हील कर रहे हैं धीरे धीरे, और अपने फीलिंग्स के साथ ये ना अपने आप को अलाइन कर पा रहे हैं, और आपके लिए जो है ये फील कर पा रहे हैं और ये सोच समझ पा रहे हैं कि जो ये सोचते थे, जो ये डोमिनेट करते थे, या जो ये इन्होंने एक माइंडसेट बना लिया था कि नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो अब उसे ये चेंज कर रहे हैं। विक्टिम, मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा दबा दबा महसूस करते हैं, जैसे मैंने कहा अपने ही थॉट्स में ना ये खुद को विक्टिम बना लेते हैं, मतलब अपने ही इतने सारे ओवर थिंकिंग के वजह से इंसान जो है दबे रह जाते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मुझे ये करना है, मुझे इस पर्सन को वापस पाना है, मुझे इस कनेक्शन पे वर्क करना है, लेकिन नहीं करते हैं, इगोइस्टिक भी इंसान हो सकते हैं, या हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा रूड हो, ओके, तो जिसकी वजह से ये आपके तरफ एक्शन नहीं लेते हैं, और आपको शायद लगता है कि इस पर्सन के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर है और ये लेंगे भी एक्शन। इम्पेशेंस, तो बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पेशन वाली एनर्जी है कि अभी मुझे ठीक करना है, ठीक है, अभी अभी मुझे आप चाहिए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो इन्हें ऐसा लगता है कि डिस्टेंस भाड़ में जाए, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह सब हटाओ, पहले मुझे इससे मिलना है, पहले मुझे इसे देखना है, ऐसी इनकी एनर्जी इस वक्त चल रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना एंशियस हो रहे हैं आपको लेकर, ओके, एंड यहाँ पे है सेल्फ वर्थ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, अभी भी रिजेक्शन का डर है, अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि क्या वो लायक हैं आपके, क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए इनफ हो पाएगी, क्या वो सही इंसान है आपके लिए, या फिर आपको कोई और अच्छा मिल सकता है, ऐसी इनकी एनर्जीज चलती रहती है, हो सकता है आपको इन्होंने पहले भी बताया हो कि तुम अच्छा डिजर्व करती हो या करते हो, ठीक है, तुम्हें कोई और प्यार करने वाला मिल जाएगा या मिल जाएगी, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको ऐसा फील करवाया हो कि आप उनके लिए डिजर्विंग नहीं हो, लेकिन सच क्या है कि ये खुद डिजर्विंग नहीं है, इन्हें ऐसा लगता है। बॉट ऑन द डेक्स है अबंडेंस, तो ये आप दोनों के रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं और इनको ऐसा लग रहा है शायद समय का पहिया घूमता जा रहा है, कोई और आपको लेके ना चला जाए, इनको डर लग रहा है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर किसी और कोई और आकर आपको लेकर चला गया तो इनका क्या होगा, ये धरे के धरे रह जाएंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा एंशियस भी हो रहा है, लेकिन ये आ भी नहीं पा रहे, लेकिन आएंगे ज़रूर, ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं पिकअप हो रही है, ओके, तो देख लेते हैं अब जो है उनके कुछ मैसेजेस कि वो क्या फील कर रहे हैं करेंटली आपको लेकर, ये बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए 7 आवर्स के अंदर ही हो सकता है ये इंसान आपके तरफ आ जाए, बातचीत करे और आप दोनों की रियूनियन हो जाए, गारंटीड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 वीक्स का टाइम लगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जुलाई अगस्त का टाइम लग सकता है, ओके, सो यहाँ पर है हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, तो हो सकता है आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे हो या फिर आपको याद कर रहे हो, ठीक है, फैंटेसाइज कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा उन्हें अट्रैक्टिव लग रहे हो इस वक्त, हो सकता है आपने रेड ड्रेस पहना हो रिसेंट डेज में या फिर रेड ड्रेस में आपने पिक्चर अपलोड किया है रिसेंटली,
फिर है मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए, तो ये पर्सन डेफिनेटली प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, आपको आपको पाने के लिए, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। फिर है अंत नहीं है ये, अब आरंभ होगा, तो ये पर्सन न्यू बिगिनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ और करेंगे भी। फिर है माई पास्ट इश्यूज़ ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कांट गेट ओवर स्टिल नाउ, तो सकते हैं जब भी आपकी तरफ बढ़ने का सोचते हैं तो उन्हें अपना पास्ट याद आ जाता है, अपना पास्ट रिलेशनशिप याद आ जाता है। फिर इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, तो शायद इस बार भी मेरे साथ यही होगा, जिस वजह से वो लगता है कि अपने आप को ये रोक लेते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।